आज हम डिस्कस कर रहे हैं IHT का इंट्रोडक्शन। सो इनहेरिटेंस टैक्स बेसिकली अप्लाई होता है गिफ्ट ऑफ एसेट्स के ऊपर, एंड दैट गिफ्ट ऑफ एसेट इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ऑल्सो नोन एज गिफ्ट। हम ये कह सकते हैं कि अगर एक शख्स अपनी जिंदगी में या एट द टाइम ऑफ डेथ अगर अपनी बिलोंगिंग में से किसी को कोई चीज़ ट्रांसफ़र करता है और वो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कंसिडर कर ली जाती है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे इट्स अ गिफ्ट, और उसके ऊपर IHT के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, इनहेरिटेंस टैक्स के कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ठीक है, उसके लिए चार्जेबल पर्सन होना ज़रूरी है, और UK में जो शख्स ट्रांसफ़र कर रहा है वो चार्जेबल पर्सन बन जाता है जब वो UK रेजिडेंट हो, और अगर नॉन रेजिडेंट भी होता है तो उसके कुछ सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में UK रेजिडेंट विल ऑलवेज बी अ पर्सन दैट इज चार्जेबल फॉर द पर्पस ऑफ IHT। सो हम फोकस कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू के ऊपर। अगर अगर हम देखते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू निकालने के लिए हम ये देखेंगे कि जो शख्स ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी बिलोंगिंग्स दैट इज वैल्यू ऑफ स्टेट बिफोर ट्रांसफ़र क्या थी। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स के पास उसकी वैल्यू ऑफ स्टेट बिफोर ट्रांसफ़र 100,000 थी, और ट्रांसफ़र करने के बाद जब मैं दोबारा आइडेंटिफाई करता हूँ तो उसकी वैल्यू ऑफ स्टेट क्या हो चुकी है, तो मुझे पता लगा कि उसकी वैल्यू ऑफ स्टेट 60,000 हो चुकी है। सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड दी फॉल इन द वैल्यू, दैट इज द ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये एक जेन्युइन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू है जो कि एक गिफ्ट के नतीजे के अंदर क्रिएट हुई है 40,000। अब इसके ऊपर IHT कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। नॉर्मली एक ट्रांसफर ऑफ वैल्यू गिवन होती है क्वेश्चन के अंदर, बट नॉर्मली इन केस ऑफ शेयर्स ये ट्रांसफर ऑफ वैल्यू अक्सर कैलकुलेट करने को दे दी जाती है। सो लेट्स फाइंड आउट कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सो टेक एन एग्जाम्पल, मिस्टर ए के पास 6,000 शेयर्स हैं एक एंटिटी के, अज्यूमिंग XYZ PLC एंड विच रिप्रेजेंट 60% शेयर्स। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 10,000 शेयर्स हैं और 6,000 शेयर्स मिस्टर ए के पास हैं। ठीक है, मिस्टर ए ने 1 जुलाई 2019 में 20% होल्डिंग ट्रांसफर कर दी। 20% होल्डिंग ट्रांसफर करने का मतलब क्या है, उसने जितने भी शेयर्स उसके पास थे उसमें से 20% होल्डिंग आगे फॉरवर्ड कर दी। तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि उसके पास रिमेनिंग शेयर्स कितने बचते हैं ताकि हम प्रॉपरली इसी कैलकुलेशन कर सकें। हमें उसकी 20% होल्डिंग के हिसाब से वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि उसने कितने परसेंट शेयर्स ट्रांसफ़र किए। सो 20% होल्डिंग इन कंपनी, सो ये 20% होल्डिंग बनती है। अगर 10,000 शेयर्स थे तो उसकी 20% होल्डिंग बनती है 2,000 शेयर्स। सो आउट ऑफ 6,000 उसने 2,000 शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। अब हमारे पास जो प्राइसिंग है वो होल्डिंग के हिसाब से मार्केट प्राइस पर शेयर। सो अगर होल्डिंग अप टू 25% हो तो शेयर प्राइस 9 बनती है, और अगर होल्डिंग हमारी 26% से लेकर 50% तक होती है तो शेयर प्राइस पर शेयर 15 pound होगी, और होल्डिंग अगर 51 से 74% तक जाती है तो शेयर प्राइस हमारी होगी 26, और अगर होल्डिंग 75% से मोर होती है तो हमारी होल्डिंग प्राइस 45 पर शेयर होगी। सही, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो प्रीवियसली मेरे पास जो शेयर्स थे वो 6,000 थे, दैट इज़ द होल्डिंग ऑफ 60%। सो होल्डिंग ऑफ 60% फॉल्स इन दैट, सो द शेयर प्राइस इज 26 पर शेयर। सो 26 के हिसाब से जो वैल्यू हमारी बन रही है वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, एंड दैट वैल्यू इज 1,56,000 pound। अब 20% होल्डिंग मैंने ट्रांसफ़र कर दी, 2,000 शेयर्स मैंने ट्रांसफ़र कर दिए, तो वैल्यू जो शेयर्स की बचती है
बिफोर दैट इज बिफोर एंड आफ्टर जो वैल्यू बचती है वो हमारे पास 4000 शेयर्स बचते हैं क्योंकि हमने 20% होल्डिंग ट्रांसफर कर दी है. तो 4000 शेयर्स का मतलब है 40% होल्डिंग बचती है. सो 40% होल्डिंग फॉल होती है इसके अंदर और वैल्यू क्या होगी 15 पर शेयर एंड दैट इज बिकम्स 4000 शेयर्स. तो ये बनती है 60,000. इसका मतलब ये हुआ कि जो फॉल इन वैल्यू है वो हमारी होती है 96,000 एंड दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. तो इस तरह एग्जाम में आप इजीली ट्रांसफर ऑफ वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर के तरीके से. राइट, नाउ लेट्स मूविंग फॉरवर्ड. सो हम ये कहते हैं कि जो आईएचटी के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उसमें दो तरह के गिफ्ट होते हैं. एक वो गिफ्ट होता है जो लाइफ टाइम में दिया जाता है, ट्रांसफर करने वाला अपनी ज़िंदगी में देता है, और एक वो गिफ्ट होता है जो एट द टाइम ऑफ डेथ उसकी डेथ स्टेट से रिलेटेड होता है. अब अगर हम लाइफ टाइम की बात करते हैं तो लाइफ टाइम के अंदर जो भी ट्रांसफर होगा, जो भी गिफ्ट होगा, उसको दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है. वन इज कॉल्ड पेट एंड अदर इज कॉल्ड CLT. पेट स्टैंड्स फॉर पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर. इसको पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर क्यों कहा जाता है, और CLT इज चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर. अब इसका डिफरेंस समझें कि हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे कि चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर है या पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर है. तो ये बात ध्यान में रखी जाए, चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर वो होगा जब आप गिफ्ट देते हैं टू ट्रस्ट. जब ट्रस्ट को गिफ्ट दिया जाएगा तो वो हमेशा CLT कंसिडर किया जाएगा. और पेट के अंदर अदर देन ट्रस्ट, जैसे नॉर्मली जो हम गिफ्ट करते हैं वो कवर होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल अपने बेटे को गिफ्ट देना, अपनी डॉटर को गिफ्ट देना, अपनी वाइफ को गिफ्ट देना, सही है, सिस्टर, ब्रदर, ये सब जो हैं वो पोटेंशियली एग्जाम ट्रांसफर के अंदर कवर किए जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PET एंड CLT? तो अगर मैं PET की बात करता हूँ तो PET जिस वक्त आप ट्रांसफर करते हैं उस वक्त PET के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ये एग्जेम्प्ट होता है, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा. लेकिन ये कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट नहीं है इसलिए इसको पोटेंशियली एग्जेम्प्ट कहते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर तो कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन जब डोनर की डेथ होगी तो समटाइम्स इट माइट बी टैक्सेबल. तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ट्रांसफर करने वाला अगर उसकी डेथ हो जाती है विद इन 7 years ऑफ डेट ऑफ ट्रांसफर. आपको देखना पड़ेगा कि ट्रांसफर और डेथ के दरमियान 7 साल का गैप है या नहीं, या उसकी डेथ होती है आफ्टर 7 years. आपको ये चेक करना पड़ेगा. कहाँ से चेक करेंगे? ट्रांसफर की डेट से लेकर डेथ की डेट तक. अगर 7 साल ज़्यादा हो गए हैं तो ये कम्प्लीटली एग्जेम्प्ट हो जाएगा और कोई टैक्स इसके ऊपर नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर विद इन 7 years उसकी डेथ होती है तो आप पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर आपका टैक्सेबल बन जाएगा, अब आपको इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा. सवाल ये पैदा होता है कौन टैक्स देगा? टैक्स देगा डोनी. डोनी यानी कि रिसीवर टैक्स देगा जो भी उसे गिफ्ट किया गया था. तो सबसे पहले जब भी हम एक पोटेंशियली एग्जेम ट्रांसफर होता है तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू जो भी हमें दी हुई होगी वो हम कंसिडर करेंगे और उसमें से कुछ एग्जेम्पशंस माइनस करेंगे और इसे चार्जेबल अमाउंट में कंसिडर करेंगे. अच्छा, इसी तरह CLT थोड़ा सा डिफरेंट है. CLT में जो टैक्स दिया जाता है वो एट दी टाइम ऑफ ट्रांसफर भी टैक्सेबल होता है, लेकिन पार्शली टैक्सेबल होता है, पार्शल टैक्स लगता है. उसके बाद फाइनली एट दी टाइम ऑफ डेथ ये चेक किया जाएगा, 7 साल वाला रूल चेक किया जाएगा. अगर डोनर की डेथ 7 साल के अंदर हो जाती है या आफ्टर 7 years होती है, आपको ये देखना पड़ेगा. अगर डोनर की डेथ 7 साल के अंदर हो जाती है तो
इसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगेगा, फर्दर टैक्स लगेगा, वरना ये फर्दर टैक्स नहीं लगेगा और ये बाद में एग्जेम्प्ट हो जाएगा और हम कह सकते हैं नो एडिशनल टैक्स। सो इसका मतलब ये हुआ कि CLT में एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ये जो पार्शियल टैक्स लगेगा, इसमें आपके पास दो चीजें हो सकती हैं, कौन टैक्स पे करेगा, या तो डोनर टैक्स पे कर सकता है या डोनी टैक्स पे करेगा, ये आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा, आप उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये देखना है कि डोनर टैक्स दे रहा है या डोनी टैक्स दे रहा है, क्योंकि परसेंटेजेस का फर्क होता है, डोनी टैक्स देगा तो अलग परसेंटेज होगी, डोनर टैक्स देगा तो अलग परसेंटेज कंसिडर की जाएगी। और 7 साल वाला रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एडिशनल टैक्स का जो इम्पैक्ट है वो 7 ईयर्स या आफ्टर 7 ईयर्स के रूल पर डिपेंड करता है। तो लाइफ टाइम में हमारे पास पेट है, लाइफ टाइम में हमारे पास CLT है, तो पेट पोटेंशियली एग्जेम्प्ट ट्रांसफर CLT जो कि टैक्सेबल है पार्शियली एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एंड सब्सिक्वेंटली उसके ऊपर टैक्स लगता है। एज फार एज द डेथ स्टेट इज कंसर्न, जब एक शख्स की डेथ होती है तो उसकी जो भी बिलोंगिंग्स होंगी उसका हिसाब किताब लगाया जाएगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा वो शख्स एट द टाइम ऑफ डेथ, उसके पास एसेट्स कितने थे, उन एसेट्स के अगेंस्ट कोई जेन्युइन लायबिलिटीज अगर थी तो वो माइनस की जाएंगी, और उसके बाद उसकी वैल्यू ऑफ स्टेट कैलकुलेट की जाएगी और उसके ऊपर IHT टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। लेकिन एक बात जहन में रखी जाए कि इंटर स्पाउस ट्रांसफर चाहे वो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम हो या एट द टाइम ऑफ डेथ हो, डेथ स्टेट से रिलेटेड हो, दोनों केसेस के अंदर अगर हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को अगर कोई लाइफ टाइम ट्रांसफर किया या डेथ स्टेट में से कुछ ट्रांसफर किया तो वो एग्जेम्प्ट कंसिडर किया जाता है, उस पर कोई IHT कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास वैल्यू ऑफ स्टेट आती है तो उसमें से हम इंटर स्पाउस ट्रांसफर वैल्यू माइनस करेंगे, अगर पूरा स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया तो ऑल एग्जेम्प्ट, उसके बाद हमारे पास ग्रॉस चार्जेबल स्टेट आ जाएगी जिसके ऊपर IHT कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एट द टाइम ऑफ डेथ।